केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के फार्म हाउस के बाहर एक कार में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से कार का लॉक खोलकर लाश बाहर निकाली। बताया जा रहा है कि मृतक के खिलाफ पुणे में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची, जहां उन्होंने पुराने मकान मालिक से पूछताछ की तो कई राज सामने आए। दरअसल आफताब गांजा पीने का आदि था, इसके चलते भी श्रद्धा और आफताब के बीच कई बार लड़ाई हुई। जिस दिन श्रद्धा की हत्या हुई थी उस दिन भी आफताब ने जरूर से ज्यादा नशा किया था। राहुल गांधी के वीर सावरकर पर दिए गए बयान के बाद समाजसेवी वंदना ने थाने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। राहुल के बयान के बाद महाराष्ट्र में कई जिलों में इसको लेकर विरोध शुरू हो गया। उधर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी पर विवादित बयान दिया है। एक कार्यक्रम में कोश्यारी ने कहा कि छत्रपति पुराने हीरो हो गए हैं, उनकी जगह शरद पवार या नितिन गडकरी को नया हीरो मानना चाहिए। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। मुंबई के वल्ली से लिंक के पास समुद्र किनारे 5 नाबालिग नहाने के लिए गए थे। इस बीच पानी की लहरों की चपेट में आने से 2 डूब गए हैं, जबकि 3 को मछुआरे और फायर की टीम की मदद से बचा लिया गया है। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मुंबई के पनवेल स्थित फार्म हाउस के बाहर एक कार में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद कार का लॉक खोलकर लाश बाहर निकाली, जिसमें मृतक के सीने और पेट में 4 गोली के निशान मिले हैं। पुलिस अब इस हत्याकांड का खुलासा करने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक के खिलाफ पुणे में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। श्रद्धा हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक आफताब गांजा पीने का आदि था। बताया यह भी जा रहा है कि जिस दिन श्रद्धा का मर्डर हुआ था उस दिन भी आफताब नशे में चूर था। दरअसल दिल्ली पुलिस आफताब पर श्रद्धा के मुंबई स्थित पुराने मकान मालिक लक्ष्मण नादर से पूछताछ के लिए पहुंची थी। इस दौरान पूछताछ में कई अहम जानकारी पुलिस को मिलने का अनुमान लगाया गया। बताया जा रहा है कि आफताब के गांजा पीने की आदत के कारण दोनों में कई बार झगड़ा हुआ है। सर आज आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ ब्रीफ कर दीजिए बस। किसका किसका 2 लोगों का बयान हुआ, 1 का हुआ ना? और क्या हुआ सर, आज के दिन क्या ब्रीफ, क्या क्या हुआ सर, जहाँ पे रहते थे क्या क्या नाम है उस व्यक्ति का, क्या नाम है जिसका आप लोगों ने किया है अभी इन्वेस्टिगेशन? सर और कितने दिन मोबाइल के बारे में कोई हिंट नहीं पे रहते थे श्रद्धा और आफताब, तो कौन से हाउस ओनर का हुआ है? मैं बता देता हूँ, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, बाद में बता मिले कुछ आपको लगता है कुछ? अभी अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है सर। सर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर दिए बयान के बाद बीजेपी शिंदे गुट और मंत्री इसे भी बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच समाज सेवी वंदना डोंगरे ने राहुल के खिलाफ थाने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। डोंगरे ने कहा कि अकोला जिले के वाडे गांव में एक सम्मेलन में राहुल गांधी ने दावा किया है कि वीर सावरकर ने ब्रिटिश शासकों की मदद की थी और डर की वजह से दया याचिका लिखी थी, तथा इस तरह उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अन्य नेताओं के साथ विश्वासघात किया था। इस बयान के बाद महाराष्ट्र के कई जिलों में कांग्रेस के अध्यक्ष का विरोध शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी को पुराना हीरो बताकर बखेड़ा खड़ा किया है। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चित कोश्यारी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब पुराने हो गए, उनकी जगह पर नितिन गडकरी और शरद पवार को नया हीरो मान लेना चाहिए। राज्यपाल की इस विवादित टिप्पणी पर शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि राज्यपाल ने हमेशा महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया है, उन्हें तत्काल महाराष्ट्र के बाहर भेज देना चाहिए। हर बार की तरह इस बार फिर महामहिम महाराष्ट्र के गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने एक विवादित बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब पुराने हो गए, अब नए हीरो की बात करिए। नए हीरो कौन है? नितिन गडकरी जी और शरद पवार जी। मैं महामहिम जी से कहना चाहता हूं कि जिनको वो नया हीरो बता रहे हैं, वो हीरो स्वयं अपना भाषण शुरू करने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये हमारे प्राण है। महाराष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती बिना छत्रपति शिवाजी महाराज को याद किए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने हीरो हो गए हैं, अब नए हीरो हमें देखने चाहिए? महाराष्ट्र में ऐसे महामहिम की कोई आवश्यकता नहीं है जो बार बार हमारे आदर्श, हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं। मुंबई के वल्ली से लिंक के पास समुद्र में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई है। शुक्रवार दोपहर लगभग 5 नाबालिग समुद्र में तैराकी करने के लिए गए थे, लेकिन तेज लहरों के कारण 5 बह गए। मछुआरों की मदद से 3 को बचा लिया गया, जबकि 2 की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची अग्निशमन दल ने 5 लड़कों को पानी से निकाला। सभी लड़कों की उम्र 14 वर्ष से कम है। मरने वालों में 8 साल का कार्तिक चौधरी और 12 साल की सविता पाल शामिल है।